भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। लिफ्ट गिरने से 5 लोग घायल हुए हैं। जी हां, निजी अस्पताल में हादसा हुआ है। रॉयल मार्केट में निजी अस्पताल में यह बड़ा हादसा हुआ। लिफ्ट गिरने से 5 से 7 लोग घायल हुए। और बता दें कि थर्ड फ्लोर से नीचे आ रहे थे परिजन। लिफ्ट में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, तभी ये हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। और बता दें कि लिफ्ट में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। परिजन जो है वो लिफ्ट से नीचे आ रहे थे और किसी ने नहीं की थाने में शिकायत। अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं है, मामूली चोटें आई हैं। उनका इलाज निजी अस्पताल में ही चल रहा है। सभी को मामूली चोटें आई हुई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। निजी अस्पताल में ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि हादसा ज़्यादा खतरनाक नहीं रहा, क्योंकि लोगों को मामूली चोटें आई। थर्ड फ्लोर से नीचे आ रहे थे परिजन, उसी वक्त ये हादसा हुआ ओवरवेट की वजह से। लिफ्ट में क्षमता से ज़्यादा लोग सवार थे, नीचे आ रहे थे, इसके वजह से यह हादसा। गुफा मंदिर रोड कोहे फिजा में अस्पताल में लोग एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। और अस्पताल में ही, कोही फिजा अस्पताल में ही ये हादसा हुआ। ये बड़ी खबर आपको हम भोपाल से दिखा रहे हैं। तो लिफ्ट से परिजन जिनके अस्पताल में उनके लोग एडमिट थे, परिजन नीचे आ रहे थे थर्ड फ्लोर में से, लेकिन ओवरवेट की वजह से लिफ्ट के क्षमता से ज़्यादा लोग सवार थे, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि लोग बच गए, मामूली चोटें आई है, जिनका इलाज अस्पताल में ही चल रहा है। कोही फिजा अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ और लोगों का इलाज भी उसी अस्पताल में चल रहा है। तो ये भोपाल से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि 5 लोग घायल हुए हैं, लेकिन ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। तो ये भोपाल से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। भोपाल में एक अस्पताल में यह हादसा हुआ। लिफ्ट का चेन टूटा, जिसके वजह से 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि थर्ड फ्लोर से नीचे परिजन आ रहे थे, उसी वक्त यह हादसा हुआ। लिफ्ट में वेट ज़्यादा थी, क्षमता से ज़्यादा लोग सवार थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन ज़्यादा गंभीर लोग नहीं हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। कोही फिजा अस्पताल का ये पूरा मामला है। गौरव गुप्ता हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं, जानकारी देंगे। गौरव गुप्ता, लिफ्ट से लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है गौरव? गौरव, क्या आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? जी, मैं आवाज सुन पा रहा हूँ। जी जी, गौरव बताइए, ये हादसा हुआ है, लिफ्ट की वजह से कई लोग जख्मी भी हुए हैं। गौरव, देखिए, बिल्कुल, राजधानी भोपाल के कोई विजा थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला है, जहाँ पे एक अस्पताल है जिसका नाम केयरवेल है। गुफा मंदिर रोड पर यह अस्पताल पड़ता है। यहाँ पर एक लिफ्ट गिर जाने की वजह से कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार जो लिफ्ट थी, ये 4 लोगों के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन इसमें 8 लोग, यानी क्षमता से ज्यादा लोग इस लिफ्ट में सवार हो गए थे, जिसके बाद ये लिफ्ट अस्पताल के 3rd माले से जाकर नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस मामले में किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं हुई, ना ही किसी की कोई जानहानि हुई है, लेकिन कुछ मामूली चोटें इन लोगों को लगी थी, जिसके बाद अस्पताल में ही इन सभी का इलाज किया गया। क्योंकि इनमें से किसी ने भी अस्पताल में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, इसीलिए इस मामले में कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग जो है मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि किसी भी तरह का मामला दर्ज न कराने के चलते इसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल जो है जितने लोग इस मामले में, इस घटना में घायल हुए थे, सभी की स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। जी बिल्कुल। तो भोपाल से बड़ी खबर दिखा रहे हैं। निजी अस्पताल के दौरान लिफ्ट में सवार लोगों के साथ ये हादसा हुआ। ओवरवेट की वजह से, ज्यादा क्षमता की वजह से ये बड़ा हादसा होने से टल गया। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।